नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय की राजगढ़ की एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज दल है वो रवाना किए जा रहे थे मतदान केंद्रों के लिए। उसी दौरान एक कार्मिक की तबीयत बिगड़ी और उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। जहां मिली जानकारी के अनुसार बता देते हैं कि वन विभाग में कार्यरत थे ताराचंद जी, तारानगर के रहने वाले थे, और उनके सुपुत्र ने बताया है कि सुबह वो खाना खा कर घर से है राजगढ़ में आए, जहां पर राजकीय महाविद्यालय में आज वहां पर दल है वो रवाना किए जा रहे थे। उस समय तमाम यहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी थे और उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसके वहां पर जो उपस्थित अधिकारी थे, वहां पर स्टाफ था, उन्हें प्राथमिक एड देने की, जो प्राथमिक उपचार है वो देने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन अचानक वहां पर दूसरा दौरा भी, मैं विजुअल दिखाने की कोशिश आपको करूँगा लगातार, ताराचंद जी के विजुअल आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और उसके बाद में जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो एक निजी एम्बुलेंस में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अब मैं जो राजकीय हॉस्पिटल है वहां खड़ा हूं और मोर्चरे में उनका पोस्टमार्टम इस समय चल रहा है। बताया जा रहा है कि ताराचंद जी है वन विभाग में कार्यरत थे और वार्ड नंबर 8 के रहने वाले थे, जो तारानगर के रहने वाले। जैसे ही सूचना परिवार को मिली, पूरा परिवार आज 5-6 अन्य लोगों के साथ में यहाँ पर पहुंचा है। उनके 2 बेटे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरे मामले को संज्ञान में आकर एसडीएम ने भी लिया है और तुरंत उनको हॉस्पिटल में जैसे ही भर्ती करवाया, जैसे उनको पता चला सामने थे, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, उपचार करवाया गया। लेकिन वो कोई काम नहीं आया, क्योंकि 2 लगातार दिल के दौरे पड़ने से बताया यही जा रहा है। शुरुआती में यही पता लग रहा है कि दिल के दौरे हैं उनको पड़े हैं लगभग, लेकिन अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट में क्या कुछ आता है निकल के, हालांकि उनके बेटे ने पुलिस प्रशासन को यहाँ पर एक रिपोर्ट सौंपी है जो चलाने की कोशिश हम करेंगे, उसमें क्या लिखा है। और यहाँ पर अब पोस्टमार्टम है वो चल रहा है और थोड़ी देर बाद में यहाँ पर पोस्टमार्टम कर जो शव है वो परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। देखिए, आज जो मतदान दलों को रवाना कर रहे थे राजकीय महाविद्यालय में, उस समय एक कर्मचारी ताराचंद जी है उनको चक्कर आ गए थे। तो चक्कर आते ही उनको मेडिकल टीम द्वारा फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया, तो एक बार होश भी आ गया था। दोबारा जब वो बेहोश हो गए तो एम्बुलेंस की सहायता से उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। ये महज 10 मिनट में ये सारा जो है माजरा हो गया था। बाद में उनकी जो है वो मृत्यु भी हो गई, तो अभी उनका शव का पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंप दिया है और यहाँ से तहसीलदार साहब को साथ भेजा है उनके गांव।